हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फोटोशॉप के अंदर 10 से 20 के बी का सिग्नेचर और 20 से 50 के बी का फ़ोटो किस तरीके से बना सकते हैं। दोस्तों, जब आप कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो वहां पर आपसे आपकी फ़ोटो का साइज़ 20 से 50 और सिग्नेचर का साइज़ 10 से 20 के बी का मांगा जाता है। कहीं पर ज़्यादा भी मांगा जाता है और कहीं पर कम भी मांग लिया जाता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो वैसे तो दोस्तों, फ़ोटो को रिसाइज करने के कई तरीके हैं। आप ऑनलाइन या फिर किसी सॉफ्टवेयर की मदद से भी कर सकते हैं फ़ोटो को रिसाइज। लेकिन दोस्तों, जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो तरीका बहुत इजी है और दोस्तों ऑफलाइन भी है। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने अपना फ़ोटोशॉप को ओपन कर रखा है और मैं आपको उस फ़ोटो को दिखा देता हूँ जिसका साइज़ हमें 50 के बी का करना है। तो यहाँ पर दोस्तों, डेस्कटॉप पर आप देख लीजिए, फ़ोटो है मेरी। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टीज़ दिखाता हूँ आपकी इसकी। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, वो इसका जो साइज़ है वो 657 के बी का है। तो हमें इसको 50 के बी का करना है। तो हम क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप को ओपन करेंगे और यहाँ पर आप फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, और जहाँ पे भी आपने फ़ोटो रख रखी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, ये फ़ोटो आ गई है, हमें इसका साइज़ है जो 50 के बी का करना है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पर जाएँगे और यहाँ पर हम सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे। सेव फॉर वेब पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर थोड़ा जूम आ रहा है तो यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर 25% करोगे तो फोटो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेटिंग करनी है, सेटिंग मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप GIF है, यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको JPEG सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज साइज़, इस पर आपको क्लिक करना है। इमेज साइज़ पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इसकी विथ और हाइट आपको दिखा देगा। दोस्तों, यहाँ पर आप फ़ोटो का जो साइज़ है, अगर कम है तो इसको बढ़ा सकते हो और ज़्यादा है तो उसको कम कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों, हमारा जो फ़ोटो का साइज़ है वो ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 1300 है तो हम इसको क्या करेंगे, 1200 देखेंगे। 1200 रख कर देखेंगे कि 1200 रखने पर हमारा जो फ़ोटो का साइज़ है वो कितना होता है। 1200 मैंने यहाँ पर विथ रख दी है। उसके बाद भी हम यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ये 73.19 के बी का ये फ़ोटो हो गया है। अब हमें थोड़ा सा और कम करना है, तो हम यहाँ पर करते हैं 1000। तो यहाँ पर मैंने 1000 जो है इसकी विड्थ कर दी है। उसके बाद में अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर ये 49.89 के बी का ये फ़ोटो हो गया है। तो दोस्तों, अब हमारा ये फ़ोटो तैयार है अपलोड करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों इसको सेव करने की। तो हम सेव करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सेव का बटन मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप फ़ोटो का नाम दे दीजिए कोई भी। तो मैं यहाँ पर मेरा नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पर मेरा नाम दे दिया है त्रिलोक। उसके बाद में यहाँ पर मैंने सेव पे क्लिक कर देता हूँ और जहाँ पे आपको लोकेशन चूज करनी है वहाँ पर आप लोकेशन चूज कर लीजिए और उसके बाद में आप यहाँ पर सेव पे क्लिक कर दीजिए। तो सेव पे क्लिक करने के बाद में अब हम चलते हैं उस फ़ोटो पर। तो दोस्तों, यहाँ पर ये देख लीजिए दोस्तों, डेस्कटॉप पर हमारी फ़ोटो आ गई है त्रिलोक के नाम से। तो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे माउस का और उसके बाद में यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, इसका साइज़ है जो 49.8 के बी का इसका साइज़ हो गया है। दोस्तों, 20 से 50 के बी के बीच में आप कितना भी साइज़ रख सकते हो फ़ोटो का, वो अपलोड हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, 20 से कम नहीं होना चाहिए फ़ोटो का साइज़ और 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। तो दोस्तों, 20 से 50 के बी के बीच में ही फ़ोटो का साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों, हमारी फ़ोटो तैयार है अपलोड करने के लिए। अब बात आती है दोस्तों इसकी सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये सिग्नेचर है दोस्तों, ये हमारा 22 के बी का, ये 22.4 के बी का ये सिग्नेचर है। तो हम इसको 20 के बी का करेंगे। तो फोटोशॉप के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर फाइल पर जाएँगे, ओपन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें उस सिग्नेचर को ले लेना है और ओपन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वो सिग्नेचर आ गया है। तो अब हमें इसका क्या करना है, ये 22 के बी की फ़ोटो है ये दोस्तों 22 के बी का सिग्नेचर है, ये 22 के बी इसका साइज़ है। तो हम क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव फॉर वेब पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका भी साइज़ हमें कम करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम इमेज साइज़ पर जाएँगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसका साइज़ दिखा देगा दोस्तों JPG में 7.117 के बी का है। अब इसको हमें ज़्यादा करना है क्योंकि 20 के बी, हमें 10 के बी से 20 के बी के बीच में रखना है दोस्तों इसका सिग्नेचर का जो साइज़ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 600 लिखेंगे, 600 मैंने टाइप कर दिया है। उसके बाद में हम
अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये 7 KB का हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, इसका जो साइज़ है वो हम कर देंगे 1000। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 1000 जो इसकी विथ है वो मैंने कर दिया, उसके बाद में अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये 14.52 KB का हो गया है। तो हमें और साइज़ बढ़ाना है इसका, तो हम यहाँ पर इसका साइज़ करेंगे 1200 कर देते हैं दोस्तों, 1200 कर दिया, उसके बाद में अप्लाई कर देंगे। उसके बाद में ये दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर ये 1867 इसका जो साइज़ है वो हो गया है अब हमें क्या करना है, इसको सेव करना है। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे हम इसको सेव करेंगे और इसको नाम दे देता हूँ मैं दोस्तों, मेरा नाम TRILOK। उसके बाद में इसको हम सेव यहाँ पर आगे मैं सिग्नेचर और लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर ये सेव हो गया है दोस्तों सिग्नेचर। अब हम इसको देखते हैं सिग्नेचर को, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर डेस्कटॉप पे हमारा सिग्नेचर आ गया है। तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर दोस्तों 18.6 KB का हमारा जो फ़ोटो है उसका साइज आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा सिग्नेचर है जो 18.6 KB का है और हमारा जो फ़ोटो है उसका साइज है हमारा 49.8 KB का है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों फ़ोटो हमारी फोरम में अपलोड करने के लिए तैयार है एकदम परफेक्ट, यहाँ पर ये दोनों फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फ़ोटोशॉप के अंदर अपनी फ़ोटो और साइन को, अपने सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं और वो उसके बाद में आप उसको अपने फोरम में अपलोड भी कर सकते हैं, वो अपलोड हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे आ रहे रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिए और पास में आ रहे बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।